हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम करता हूँ गेम आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में। बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। बायोमोलिक्यूल में से एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन का सिंपलेस्ट पार्ट क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है, जो उसका मोनोमर होता है, एंड उससे रिलेटेड हमारा पेप्टाइड। देखिए, जब हमारे दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं एंड टू अल्फा अमीनो एसिड आर कंबाइंड, नाइट्रोजन के लिए। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड हो चुका है, सबका बेस्ट फ्रेंड होता है जी हाइड्रोजन। यहां पे लगा होता है H और यहां पे कोई भी एक ग्रुप लगा होता है। सेम बात यहां पे भी एक अल्फा अमीनो एसिड लेंगे हम, कार्बन, 4 बॉन्ड होंगे, एसिड यानी CWH अमीनो, यानी क्या लगा होगा? नाइट्रोजन बॉन्ड पूरे करते हैं H2, नीचे लगा होगा H, ऊपर की तरफ लगा कोई भी एक ग्रुप। अब समझिए इस बात को, मैंने यहां पे ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन, क्या बोला जाता है इसे? इट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। मैं यहां पे लगा देता हूं CH3, इट इज कॉल्ड एलानिन, इसे हम लोग एलानिन बोलते हैं। चलिए कंबाइन करते हैं, तो क्या होने वाला है? यहां से OH और यहां से H, सेम यहां से OH और यहां से H बाहर निकलेगा। इसका OH इसके H के साथ, इसका OH इसके H के साथ, तो माइनस क्या हो गया आपका? 2H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका बचता है HA, यहाँ पे CHH, यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका बचता है HA, यहाँ पे C ऊपर की तरफ आएगा CH3, नीचे की तरफ आएगा H और यहाँ पे हमारा आएगा C। अब बात समझिए कि ये हमारा क्या बन चुका है? पेप्टाइड बन चुका है। और इस पेप्टाइड का नाम क्या होगा? ग्लाइएल। जिन अल्फा अमीनो एसिड से ये बनाया है उनके फर्स्ट थ्री लेटर पिक कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइएल। अब पेपर में क्वेश्चन आता है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। ऑफ कोर्स वही होगा कि द बॉन्ड which hold two alpha amino acid together in a peptide. एक peptide के अंदर दो alpha amino acid को जो जोड़ के रखेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? peptide बोलते हैं। या फिर क्या बोल देता है? देखिए, ये एक amino acid है, ये एक amino acid है, और ये इन्होंने जो link किया हुआ है वो क्या हुआ? यहाँ से तो ये जो CONH linkage होती है, this is also known as peptide linkage. Next हमारा हो जाता है question, what do you mean by oligopeptide? ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है? ओलिगो, ओलिगो मींस क्या होता है? फ्यू। ओलिगोपेप्टाइड कौन से होते हैं? दो पेप्टाइड्स व्हिच गिव्स 2 टू n अल्फा अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, कि जब इनको हाइड्रोलाइज कराया जाता है ओलिगोपेप्टाइड को, तो ये 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। और पेप्टाइड कितने देता है? सिंपल पेप्टाइड है तो वो दो अल्फा अमीनो एसिड देगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड की। हाँ जी, तो ये पॉली वर्ड आ चुका है। पॉली मींस क्या होता है? मैनी। तो क्या बोलेंगे इसको? दो पेप्टाइड्स विच गिव्स मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 10 से ज्यादा, अगर 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड दे रहे हैं तो उसको हम रखेंगे पॉलीपेप्टाइड वाली फैमिली के अंदर। तो ये था अपना सिंपल सा पेप्टाइड। क्या होते हैं पेप्टाइड? जो अल्फा अमीनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? CONH लिंकेज। ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं? जो 2 से 10 अल्फा अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं।
के होते हैं जो 10 से ज़्यादा अल्फी अमीनो एसिड के अंदर मिले होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर अच्छी नहीं लगी है देन आपके पास ऑप्शन है डिसलाइक का, कर दीजिए। कमी क्या है वो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।